नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। शाहीन को भी हमारे साथ चलने पर आमादा कर दो। ये कौन सी बड़ी बात है? वो तुम जानो। ये लीजिए। अरे भाई शाहीन, मैं जरूर जाऊंगी। मैं नहीं जाती कबाड़ी करवाने। अरे भाई शाहीन, ऐसा मत करो। देखो, मैं उन लोगों से वादा कराया हूँ कि मैं चचा जान को रजामंद की बगैर नहीं लौटूंगा। और तुम? अच्छा, तो एक शर्त है। आपकी भी शर्त है? फरमाइए। पहले आप मुझको सलाम कीजिए। जी सलाम तो वो मैं नहीं करता। अच्छा तो फिर मैं भी। अब सुनो सुनो सुनो। अरे भाई ये क्या है, बड़ों से सलाम करवाती हो? कभी कभी ऐसा भी मौका आता है। ऐसा भी मौका आता है? जी हाँ, इसमें हजी क्या है? कोई हजी? कोई हजी। अच्छा तो भाई जान कोई आ रहा है? कौन है? कोई नहीं। ये लो। ठीक से सलाम कीजिए ना। भाई ये लो ना। फर्शी सलाम कीजिए। फर्शी सलाम? ये लो, फर्शी सलाम भी हो गया। कभी मेरा भी मौका आएगा ना, मैं देख लूंगा। मुंह धो रखिए। Thank you.
भी कह ले जो दिल की बात है, हाय कहने वाले तू भी कह ले जो दिल की बात है। हवा की रात है, कव्वाली की रात, तेरा रोग गली है, तुझे रंग बू मिले हैं, मुझे आरजू मिली है, मिली है। जल के आह की है वही शाम पड़ गई है, वही रात हो गई है, जहाँ दिल जला है मेरा वही रोशनी हुई है, वही रोशनी हुई है, हुई है वही रोशनी हुई है। मगर इश्क शोला शोला है शबनम कहा, जो मुझ में अदा है वो तुझ में कहा, जो मुझ में अदा है वो तुझ में कहा। कहने वाले कहने वाले तू भी कह ले जो दिल की बात है, कहने वाले तू भी कह ले जो दिल की बात है, कव्वाली की रात है, हाय कव्वाली की रात, कव्वाली की रात है, कव्वाली की रात। एहसास करते हैं मोहब्बत में जो रोते हैं, फकत बकवास करते हैं, फकत बकवास करते हैं। जुबान से उफना निकलेगी, मिटा कर देख ले हमको, यकीन तुझको ना होता, आजमा कर देख ले हमको। नुक्ता चीनी और जुबान तेरी, जुबान पर हम नहीं लाए हैं अब तक दास्तां तेरी। बहुत खूब है तू हमसा कहाँ, बहुत खूब है तू हमसा कहाँ, जो हम में अदा है वो तुझ में कहाँ, जो हम में अदा है वो तुझ में कहाँ, जो हम में अदा है वो तुझ में कहाँ। कहने वाले तू भी कह ले जो दिल की बात है, हाय कहने वाले तू भी कह ले जो दिल की बात है, कव्वाली की रात है, कव्वाली की रात, कव्वाली की रात है, कव्वाली की रात।
दोस्ती में मारा तेरी दुश्मनी से बढ़कर तेरी दोस्ती में मारा तेरी दोस्ती जहाँ में मुझ फिर भी है गवारा तेरी दुश्मनी से बढ़कर तेरी दोस्ती में मारा तेरी बेवफाइयों को मेरे शौक ने निखारा तेरी बेवफाइयों को मेरे शौक ने निखारा मेरी शौकियों ने लेकिन तेरे शौक को पुकारा पुकारा मेरी शौकियों ने लेकिन तेरे शौक को पुकारा पुकारा तुझे आईना बनाकर किया अपना ही नजारा तुझे इस खुदी ने को जमाना मेरी बेखुदी से जाना कवाली का नाश कर दिया कुछ भी कहो बनो था खूबसूरत अच्छा जी आपको बहुत पसंद आ गया है क्या ये उससे क्या पूछती है आईने में जाकर जरा अपनी आंखें तो देख चलो चलो अरे ईद का चांद हो गया चलो देखें चलो चलो अम्मा उस्ताद ईद का चांद तो इस तरफ निकला है तुम वहां क्या देख रहे हो अपनी ईद का चांद जो उधर ही निकला है वो देख कहां दिखाई नहीं देता ले ये दूरबीन से देख देख अम्मा उस्ताद ये तो कमाल हो गया उधर तो ईद की चांदों की बारात निकली है देखा का चांद मुबारक हो लुगना तुम्हें भी मुबारक अरे मुबारक ये तो वही कव्वाली वाले बड़ी घूर घूर के देख रहे हैं देख तो सही शाहीन मां वो देख हाय अल्लाह देखा तुमने बड़ा बदतमीज है ना चांद ईद का अम्मा तुम ईद के चांद की बात कर रहे हो मैं तो चौधरी का चांद देख रहा हूँ देखो देखो अबे तू कुछ और देख रहा है हाँ तुझे तो ईद के चांद और चौथवीं के चांद की भी तमीज नहीं हाँ हाय अल्लाह कम्बख्त फिरता भी नहीं इधर ही देखे चला जा रहा है ईद का चांद भी नहीं देखने देता ईद का चांद तो वो खुद देख रहा है तुम्हें कैसे देखने देगा
गुस्से से हो मुंह लाल तो रंग और निखर जाए, ये दूसरी खूबी है कि बिगड़े तो सवर जाए। अच्छा भाई लुबना, मैं तो चलूं, तुम लोग आ जाना। तुम ही जब ना होगे तो क्या रंगे महके, किसे देखकर वो नजारा करेंगे। चल हट शरीफ। मारे गए। क्या हुआ? ये तुम पूछ रहे हो उस्ताद? तुम तो डूबे थे सनम, हमको भी ले डूबे। अम्मा तुमने अपने चांद के साथ हमारा वो सितारा देखा था, कितना चमक रहा था। ये बात है? हाँ तो फिर निकालो कोई मुलाकात की तरकीब। मुलाकात की तरकीब? मियाँ तुम उतरा, तुम जरा यहाँ ठहरो, मैं ईद के चांद को ईद की मिठाई लेके आता हूँ। अम्मा उस्ताद वहाँ कहीं अपना सितारा नजर आ गया तो मेरा सलाम कह देना। सलाम तो कह दूंगा, पर एक चीज का ख्याल रहे, अगर कोई आए तो सीटी बजा देना। अम्मा सीटी क्या, घंटी बजा दूंगा, तुम जाओ। नवाब साहब, नवाब साहब, मैंने कहा किबला नवाब साहब। नवाब साहब नमाज पढ़ने ईदगाह गए हुए हैं, आप कौन साहब हैं? जी मैं ईद की मिठाई लेके हाजिर हुआ हूँ। मिठाई? अरे ये तो वही दूरबीन वाला है क्या? जी आप बताने की तकलीफ करेंगे कि ये मिठाई किसने भेजी है? जी ये उल्फतपुरे से नवाब मोहब्बतुल्लाह ने भेजी है। ओए अल्लाह, अच्छा अच्छा मैं समझ गई, आप तशरीफ रखिए, नवाब साहब बस आते ही होंगे। जी लेकिन मुझसे तो ये कहा गया है कि ये मिठाई मैं सिर्फ नवाब साहब की साहबजादी को ही देकर आऊँ। आप सिर्फ इंतजार कीजिए, मैं जरा पुलिस स्टेशन फोन कर दूँ ताकि आपकी मिठाई नवाब साहब की साहबजादी तक पहुंचा दी जाए। जी पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, अगर वो मुझसे इस वक्त नहीं मिल सकती तो मैं फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा। आदाब आदाब। अम्मा तो पुलिस को मिठाई खिला देंगे। कहाँ है फिर, हम आपकी तारीफ? ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप मुकाबले का चैलेंज मंजूर कीजिए। मुकाबला? और काहे का? अव्वाली का मुकाबला और आप करिए, पहले तो खड़े पीछे। ओह अगर आप मुझसे मुकाबला करने के लिए डरती हैं तो फिर मेरे उस्ताद मस्ताना रागी से मुकाबला कीजिए। हमने तो सारी दीदी को ललकारा था, उस वक्त क्या आप मस्ताना साहब सो रहे थे? सो नहीं रहे थे बल्कि औरत के सामने अभी तौहीन समझ रहे थे। तो आप कैसे आ रहे हैं? मर्दों की इज्जत रखने के लिए। हमें मंजूर है। शुक्रिया लेकिन यार अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, मेरे उस्ताद का नाम मस्ताना रागी है, मस्ताना रागी, दो चार बार याद कर लीजिए। तो आप भी उनसे कह दीजिएगा कि मेरा नाम भी नाजनी है। अरे ओ शम्मो, अरे क्या है, किससे नाराज हो रही है? अरे ये मस्ताना रागी है कौन, क्या किया मस्ताना रागी ने? अभी अभी उसका आदमी मुझे मुकाबले के लिए ललकार कर गया है। आज तक तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो मेरी नाजनी से जीत सके, मगर मुझे उस आदमी से कुछ डर लगता है। डर गई तो जरूर मार खा जाओगी। तो फिर क्या करना चाहिए? करना क्या है, सिर्फ नजर रखनी है कि लोग करते क्या है। लेकिन तू घबरा नहीं, मैं साफ पता कर लूंगी कि मस्ताना रागी कितने पानी में है। या उस्ताद, 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 मेरी इज्जत रखो उस्ताद, पूरे हिंदुस्तान को जीतने वाली मायानाज नाजनीन को ललकार क्या है? अरे सुनो यार, मर्दों के एक लड़की को ललकार क्या है? उस्ताद वो लड़की नहीं है, बड़ी जहर से बुझी हुई है, बड़े बड़े मर्दों के कान का स्थिति है। पीलू खान, गुरपत खान, सारंगा खान सब उससे हार चुके हैं। अगर उस्ताद तुमने हाँ नहीं की सारे मर्दों की नाक कट जाएगी, और उस्ताद और एक लड़की के आगे सारे मर्द सर झुक जाएंगे। या ख्वाजा, जियो उस्ताद जियो। ये रहा तुम्हारा टेलीफोन, तुम अपने काम से लग जाओ और मैं अपने काम से लग जाता हूँ। हेलो 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 हेलो,
देखो भाई लुबना, बोलना हो तो बोलो, नहीं तो मैं रिसीवर रख दूंगी। फिर मत कहना कि शाहीन ने बात नहीं की। सुभान अल्लाह, क्या नाम है, क्या आवाज है। ए हम नफस, नजाकते आवाज देखना। आप कौन साहब हैं? चमन के रहने वाले हैं, गुलों से प्यार करते हैं। चमन के रहने वाले गुलों को प्यार करते हैं? कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? जरा आप अपना नाम तो बताइए। अजी नाम क्या पूछती है, अपना तो नाम ही बदनाम है। अच्छा, तो गोया आपका नाम ही बदनाम है। हेलो हेलो हेलो, जी फरमाइए। फरमाऊं क्या, आपको तो सुनने की भी फुर्सत नहीं, बस एक बार आमने सामने जलवा देखने की तमन्ना है। जरा आप मुझे अपना नाम बता दीजिए तो फिर मैं आपको अपना जलवा भी दिखा दूँगी। जलवा दिखा दीजिए ना, नाम पूछकर क्या कीजिएगा। आवारा बदमाश लोफर कहीं के? जी आपको गलत फहमी हुई है, शरीफ आदमी हूँ मैं, लोफर नहीं हूँ। बदतमीज। बदमाश आवारा, शब नहीं आती, मालूम होता है तुम्हारी शामत आई है। शाहीन बेटी, तुझे क्या हो गया है? अरे मैं बोल रहा हूँ मैं। हाय अल्लाह, अब्बा जान, मैं से बोल रहा है। कौन बदमाश? बार बार मुझे फोन करता है और ये सुनाता है। अच्छी बात है, मैं अभी उस बदमाश की खबर लेता हूँ, तू फिक्र न कर। आइए आरज साहब, जरा ये डाक तो मुलाहिजा फरमाइए, आपके परवानों के ये तमाम लेटर पोस्टमैन इस बोरी में बंद करके यहाँ रख गया है और कहता है कि एक और बोरी पोस्ट ऑफिस में पड़ी है, वो शाम की डाक में लेकर आऊंगा। आपके परवानों की एक ही डिमांड है, कहते हैं, सुनिए, लिखा है, या तो आपके सालनामे में गुमनाम साहब की तस्वीर छापिए या सालाना जलसे में उनको हमारे पेश कीजिए। ये दोनों चीजें नामुमकिन है एडिटर साहब। हाँ? उसकी वजह यह है कि मेरे वालिद साहब एक तो मौलवी हैं, ऊपर से हाजी, कहते हैं कि इस दुनिया के तमाम शायर सीधे जहन्नुम में जाएंगे। आपके वालिद बुजुर्गवार ने आपकी कोई नज़्म पढ़ी ही नहीं, आपके जलसे में उनको जरूर लाइएगा। दुबला क्यों घर से निकलवाना चाहते हैं, मैं आ जाऊँ यही क्या कम है? मोस्ट वेलकम। हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, गुमनाम साहब को पेश कीजिए। आपने इस मुशायरे में गुमनाम साहब को पेश करने का वायदा किया था, गुमनाम साहब को स्टेज पे लाइए। हजरात, आप सहबान इत्मीनान रखें, आज हम आरिफ साहब के परवानों को मायूस नहीं होने देंगे। आरिफ साहब देहलवी जो आज तक गुमनाम देहलवी थे, आज हम उनको उनके असली नाम से पेश करते हैं, हजरत आरिफ देहलवी। वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना, वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना, जलवों से तेरे चांद कभी मुंह को छुपाना, वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना। नजर वो तेरी पलकों का झपकना, गुस्ताख निगाहों पे मेरी तेरा चमकना, घबरा के अदब से वो मेरा सर को झुकाना, वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना।
हुए बालों को लिए छत से उतरना, आईने के आगे वो तेरा आके संवरना, और मेरी गजल पढ़ के तुझे नींद न आना। वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना, तसव्वुर में गुजरने लगी रातें, होने लगी छुप छुप के टेलीफोन पे बातें। कुछ याद तो होगा वो तुझे मेरा पसाना, वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना, जलवों से तेरे चांद कभी मुंह को छुपाना, वो चांद सा चेहरा लिए छत पर तेरा आना। अरे मियां केवल नवाब साहब, और ये रहे लाला जी अमजद मियां। भाई आरिफ साहब आपने तो वल्लाह कमाल कर दिया, आप तो छुपे रुस्तम निकले। ना आपको नजरे बद से बचाए मियाँ, जितने आप खूबसूरत हैं उतना ही खूबसूरत शेर भी कहते हैं। नवाब साहब को आपकी नजम बेहद पसंद आई। जीते रहिए मियाँ, आपने तो हमारे मजाक शेरी को अक्सर नौतादा कर दिया। सुभान भाई आरिफ मियाँ, अब आपको हमारे मुशायरे में भी शिरकत करनी है। जरूर करनी होगी, और हमारी शाहीन की शायरी से टक्कर भी देनी होगी। हजरात अभी अभी आपने जनाब बेकरार लखनवी साहब का कलाम सुना, और अब आप जनाब खंजर देहलवी साहब का कलाम बलागत निजाम मुलाहिज़ा फरमाइए। वो भी बकवास था और ये भी सर में दर्द करेगा। ये जी हाँ खामोश, ये मुशायरा है। अगर ये मुशायरा है तो हम भी शायर हैं। आप शायर तो क्या, तुकबंद भी नहीं है। क्या कहा, शायरों के सामने तुम मैं तुम था। चील का बच्चा उड़ाए तू दिए इसका मजाक। हजरात असली शायर कौन है और तुकबंद कौन है, इसका फैसला अभी हुआ जाता है। कहा ये टकूंजे शायर और कहा मैं तू दिए हिंद बुलबुले हिंदुस्तान। क्या बकता है बे बदतमीज लौंडे, है कोई ऐसा बंदा है खुदा जो इस टूटिए हिंद को बुलबुले हिंदुस्तान दिखा दे और इसका सबब हमारे दिखा दे। हमें जहन्नुम रसीद करो। अंजद साहब शरीफ लाइए। मेरे ख्याल में तो वहीं शुरू हो जाइए, क्योंकि आज मशायरे की फिजा कुछ गैर शायराना है। अर्ज किया है, निगाह नाज से मस्ती चुरा के लाया हूँ, बहुत पीटा हूँ तो फरियाद लेके आया हूँ। खान बहादुर साहब, आप जैसे माए बाप के होते हुए हिंदुस्तान के मशहूर शायर तमतराक देहलवी पे ये जुल्म, माए बाप मुझ गरीब शायर की मदद कीजिए, मदद कीजिए। ये तो मैं दबा ही रहा हूँ, बहुत वजनदार है, मेरी मदद कीजिए। कुछ नहीं, बस यही चाहता हूँ आपका ऐसी हाथ उनके पीठ पे पड़े और मेरा शेर मेरी जबान से निकले। आधा वर्जन अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। उठिए खान बहादुर साहब उठिए। तमाम उम्र सुनाऊं अगर जमाने को, समझ सकेगा ना कोई मेरे फसाने को कि दिल में राज मोहब्बत छुपा के लाया हूँ। और तुम्हारी मौत को जाकर बुला के लाया हूँ। खान बहादुर यही है वो सड़क छाप मुशायरे के तक पूंजे शायर जिन्होंने मेरा अंदर पंजर खिला कर दिया। बेटा अमा पहलवान खामखा आगे बढ़े चले आ रहे हो, मैं तो आज के मशायरे का सदर हूँ, प्रेसिडेंट। सदर पहलवान, पहलवान रुस्त
गौतम मेरा शागिर्द है और तुम इसके भाई हो, इसलिए तुम भी मेरे शागिर्द हुए। क्या ये तुम गवारा करोगे कि इस भरी महफिल में मेरी इज्जत लूट जाए? तो फिर उठो और इसका बदला लो। प्लीज टेक रिवेंज। थैंक यू मुन्ना। हमें गला छोड़िए, हमारे इंसाफ से लड़िए। गला छोड़िए, मैं बहुत देखी हुई आप लोग। हमें गला छोड़िए। शुरू से ही हो रही है आरिफ मियां से गुमनाम जो कर गए थे। बदनामियों के डर से गुमनाम हो गए थे हम। अच्छा, मुझे इजाजत। सुनिए, आप हमें अपने घर नहीं बुलाइएगा? आपके मुझे अशार बहुत ही पसंद आए। देखिए, बात मत पलटिए। नहीं बुलाना हो तो साफ कहिए, हम नवाब साहब से। ऐसा वजन मत कीजिएगा। अगर अब्बू को कहीं पता चला आपसे मिली थी तो। इत्मीनान रखिए, ये रात रात ही रहेगा। अगर आप ये एक छोटी सी इल्तिजा कबूल फरमा लें तो। फरमाइए। एक बार अपने जान का नजदीक से दीदार करना है। खुदा की कसम, जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलूंगा। सुभान अल्लाह, जरा नजर उठाकर हमारी गुस्ताख। अब मैं चलती हूँ। फिर मुलाकात कब होगी? मैं तो हर जुमेरात को यहाँ आती हूँ।
क्या आप मस्ताना रागी का पता बता सकते हैं? मस्ताना रागी का पता आप उससे पूछ रही जो मस्ताना रागी के दर की आग बन चुका है। तो क्या आप दरबान हैं? दरबान नहीं, दरबारी हूँ। फिर उनका दर कहाँ है? दर तो यही है लेकिन इस वक्त मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो नाज़नीन के मुकाबले की तैयारी में लगे हुए हैं। एक लड़की के मुकाबले के लिए इतनी बड़ी तैयारी? उसको लड़की कौन कहता है, वो तो तलवार है तलवार। तैयारी नहीं की तो उस्ताद का सीधा तख्ता। सुन लिया आपने, ये है हमारे उस्ताद। या उस्ताद वाले हुस्न का अंजाम दे, डूबते सूरज को वक्ते शाम देख। क्या खबर लाई? अरे ये पूछो कि क्या नहीं लाई। हुस्न वाले हुस्न का मार गोली हुस्न वाले को। पहले ये तो बताओ वो मस्ताना साहब क्या करे? इसी का तो रियाज कर रहे थे। फरमाते हैं डूबते सूरज को वक्ते शाम देख। अरे घबराती क्यों है? सुन चलिए। अंजाम को आगाज देख, भूल जा अंजाम को आगाज देख, भूल जा अंजाम को आगाज देख, भूल जा अंजाम को आगाज देख, ओ भूल जा अंजाम को आगाज देख, भूल जा अंजाम को आगाज देख। टकराने वाले तू भी तो नादान है, हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्ते शाम देख, हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्ते शाम देख।
मैं खुद ही तमाशा हूँ, मैं खुद ही तमाशाई, मैं खुद ही तमाशा हूँ, मैं खुद ही तमाशाई, मैं खुद ही तमाशा हूँ, मैं खुद ही तमाशाई। उसके जलवों से शायद तू अभी अनजान है, से टकराने वाले तू भी तो नादान है। हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्त शाम देख। हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्त शाम देख। बहुत शोर सुनते थे पहलू में, बड़ी तारीफ सुनी थी आप, नाम बड़े और दर्शन देखा। जी हाँ, एक हुस्न वाले ने हमारे ही तीर से हमको घायल करने की कोशिश की, मगर वो हम ही थे जो बच गए। कहाँ तक बचेगा, ये तो आप ही का तीर था जो आप बच गए, लेकिन मेरे तीर से बचना जरा मुश्किल है। आपके तरकश में जितने भी, एक ही तीर काफी है, आवाज तो आवाज आह भी न निकलेगी। बड़ा नाज है आपको अपने तीरे निगाहें नाज पर। तीरे निगाहें नाज पर नहीं, आवाज पर। लेकिन आवाज दराज बैठी हूँ। आवाज तो हम सुन चुके हैं, अब ये देखना है कि आप क्या है। क्या कीजिएगा देखकर, अगर दीवाना बना करना छोड़ दिया तो नाजनीन नाम नहीं। दीवाना तो समझे, मगर एक दिन आपको अपना बना के जरूर छोड़ूंगा। उस दिन का तो ताक कयामत इंतजार करना पड़ेगा। ये नाज़िम बड़ी तीखी औरत है, इसे मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं। उस्ताद आप भी हार मान गए। हार नहीं मानी फिर, लेकिन मुकाबले में कभी दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये कुछ है ना काम की बात। देख तो एक काम कर। क्या उस्ताद? आरिफ मियां है ना, हमारे शहर के मशहूर शायर, उनके पास जा और कहें कि हमको एक बेहतरीन कव्वाली लिख के दे। आरिफ मियां और कव्वाली ला हौल वाला हुआ था। अबे ये बात तू नहीं समझेगा, नाज़िम है ना बड़ी होशियार औरत है। अच्छा हाँ, इससे पहले कि उनके पास पहुँच जाए तुम जाके आरिफ मियां से कव्वाली मार लो। जाऊं क्या बात है, मैं सारा बंदोबस्त करता हूँ। इस लड़के का रूप किताबें कही, कागज कही, कपड़े कही, ना मालूम क्या करता रहता है। चचीदार, चचीदार, आरिफ मियां कहाँ है? मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हें मालूम होगा। मुझे मालूम होता तो आपसे क्यों पूछता। कहीं खड़ा शायरी कर रहा होगा। तब तो वो मेरे शेर पढ़ रहा होगा। अच्छा मैं ढूंढता हूँ। दिल गया दिल का एतबार गया, दिल गया दिल का एतबार गया, जिंदगी भर का राजदार गया, जिंदगी भर का राजदार गया, दिल गया दिल का एतबार गया।
कश्ती ना अब किनारा है, अब ना कश्ती ना अब किनारा है, अब खुदा का ही एक सहारा है, ना खुदा बीच में उतार गया, दिल गया दिल का एतबार गया, जिंदगी भर का राजदार गया, जिंदगी भर का राजदार गया, दिल गया दिल का एतबार गया। जरा देख के चला कीजिए, आंखों की बत्ती जला के चला कीजिए, आप भी अपने लालटेन में तेल डाल के चला कीजिए। छोड़िए, क्या आप आरिफ मियां का पता बता सकते हैं? आरिफ मियां का पता? अमर मेरे पिछवाड़े हैं। ओहो मजाक छोड़िए, सीधी सीधी बात कीजिए। बात दरअसल ये है कि मेरे उस्ताद मस्ताना राय का मुकाबला नाज़िम से पड़ गया है और मैं उसके लिए धातु कवाली लिखवाना चाहता हूँ। धातु से आपका मतलब? मेरा मतलब ये है कि भड़कती हुई। भड़कती हुई? अमा हारिफ मियां क्या फड़कती हुई कवाली लिख के देंगे, उन्हें तो मैं खुद फड़कती हुई लिख के देता हूँ। आपकी तारीफ। किस जगह से आए हैं आप? अमा तुम तराख दहलवी तूती हिंदुस्तान को नहीं जानते? तूती हिंदुस्तान तुम तराख आप हैं? जी हाँ। अमा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीच में जितने शायर पढ़ते हैं सब अपनी शायरी का लोहा मानते हैं, यानी कि फला। अच्छा, तो हुजूर बतौर नमूना कोई शेर अर्ज हो जाए। बरखुरदार, आप बड़े ही जाहिल किस्म के आदमी साबित हुए हैं, लिहाजा आपको बोलना भी नहीं आता। अमा इरशाद या अर्ज? दोनों मिला के। दोनों मिला के? तो सुनो, तू ये हिंद फरमाते हैं, तेरा जाना तेरा जाना मेरा आना, मेरा आना तेरा जाना। अमा अमा माफ करना, जरा गलती हो गई, ये शेर जरा पाए का था, मैं तुम्हारे मतलब का शेर सुनाता हूँ। फिर सुनाइए। अर्ज करता हूँ के कान में बाली, बाली में बुंदा, बुंदा नीलम का, दरिया में कश्ती, कश्ती में तख्ता, तख्ता शीशम का। फिर तो वाकई आप तूती हिंदुस्तान से। आइए आप ही तशरीफ लाइए। कहीं हारिफ मियां बुरा ना मान जाए इसलिए मैं जरा सोचता हूँ। सोचिए। सोचता हूँ। तो एक ऐसी कवाली लिखी जिसका कोई मुकाबला ना हो। क्यों नहीं बरखुरदार, क्यों नहीं? अगर आप लोगों की लिखी कवाली से नाज़िम को जीत गए तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। खामोश खामोश, ये क्या लिखेंगे सड़क छाप मुशायरे के टक पूंजे शायर। हमारे उस्ताद मुंह संभाल कर बात कर। उस जगह पर आइए मौलाना, टोपी ठीक कीजिए, बुलाओ चटा गुलफाम को। हां गुलफाम, गुलफाम जी। हां गुलफाम। सुनिए सुनिए खामोश, बरखुरदार देखा हमारा दबदबा, इसीलिए तो लाया था उस्ताद, यही तो है उस्ताद आरिफ के उस्ताद मन तुम तराफ दिल्ली तूतिए हिंदुस्तान। तूतिए हिंदुस्तान? अबे हमने तो तुम्हें आरिफ मियां से कवाली लाने कहा था। उस्ताद आरिफ मियां इन्हीं से तो कवालियां लिखवाते, यही है उनका उस्ताद। उस्ताद एक कवाली हमारे लिए लिख दीजिए। अम्मा बरखुरदार, कवालियां तो मैं हजार लिख दूंगा। तो फिर हो जाए। अर्ज करता हूँ, कहने वाले तू भी कह ले जो दिल की बात है, कवाली की रात है कवाली की रात। उस्ताद ये तो हम सुन चुके। ये आप सुन चुके? ये तो आपने जरूर सुनी होगी, जरूर सुनी होगी, क्यों कि ये कवाली मेरी बड़ी मशहूर पुरानी कवाली है। दूसरी आप करता हूँ, डूबते सूरज को वक्त शाम दे, ऐ हुस्न वाले हुस्न का अंजाम दे। उस्ताद ये तो हम गा चुके हैं। अमर एक आप सुन चुके, एक आप गा चुके। बरखुरदार आपके लिए मुझे तीसरी कवाली सुननी पड़ेगी। नाज़िम नाज़िम क्या है? अरे मस्ताना रागी ने तो सारे शहर के शायरों को बुला रखा है। क्यों? तेरे मुकाबले के लिए कवाली लिखवाने के। अरे सोचती क्या है, हम लोग भी यहाँ के सबसे बड़े और मशहूर शायर आरिफ मियां से कवाली लिखवा कर लाएंगे।
آج ہماری بیٹی شاہین کی سالگرہ کا جشن ہے اور ہر سال کی طرح آج بھی خوشی کے موقع پر ایک چھوٹا سا سلبدی مشاعرہ رکھا گیا ہے۔ جی یہ سلبدی کیا ہوتا ہے؟ سلبدی نہیں جانتے آپ؟ آپ میرے شوہر میاں فوراً شیر کہنا اور سنا دیں۔ بیٹی یوں تو آج تک ہر سال میدان تم ہی نے مارا ہے، لیکن آج تمہارا مقابلہ دہلی کے نوجوان اور ہونہار شاعر میاں عارف سلمہ سے ہے۔ اجی آپ مصرع تو دیجیے، ہماری بیٹیاں بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ مصرع تو نہایت سیدھا سادہ ہے لالا جی، پیغام میں محبت مل جائے جینے کا سہارا ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا مصرع طرح دیا ہے کہ پیغام میں محبت مل جائے جینے کا سہارا ہو جائے۔ عارف میاں بسم اللہ۔ اے جان نظر چل من سے اگر ہلکا سا اشارہ ہو جائے، پیغام محبت مل جائے جینے کا سہارا ہو جائے، اے جان نظر اپنوں کے ستم دنیا کے علم، ہر رات کا رونا روز کے غم، اپنوں کے ستم دنیا کے علم، ہر رات کا رونا روز کے غم، ایک بار جو اپنا کہہ دو ہمیں ہر چیز گوارا ہو جائے، اے جان نظر لگ جائے ہماری آہ تمہیں، ہو جائے ہماری چاہت تمہیں، لگ جائے ہماری آہ تمہیں، ہو جائے ہماری چاہت تمہیں، جو حال ہمارے دل کا ہے وہ حال تمہارا ہو جائے، اے جان نظر چل من سے اگر ہلکا سا
इशारा हो जाए, पैगाम मोहब्बत मिल जाए, जीने का सहारा हो जाए, ऐ जाने नजर। मरहबा भाई, वाह हारिस मियां, सुभान अल्लाह। आज शाहीन को मालूम हुआ होगा कि नहले पे दहला किसे कहते हैं। नहले पे दहला नहीं बरखुरदार, तुर्की बत तुर्की को। तो फिर चाचा जान, आपके ख्याल में आज के मशायरे का सहरा किसके सर रहा? भाई हमारी राय में शाहीन और आरिफ मियां दोनों का जवाब नहीं। ये तो आपका हुस्न नजर है, मैं किस काबिल हूँ। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ मियां, आपसे आइंदा मुलाकात का शरफ कब हासिल होगा? जिसको कहते हैं जुमेरात का दिन, हम समझते हैं मुलाकात का दिन। वाह बहुत खूब, जुमेरात और मुलाकात। अम्मा, आपसे नाज़िम कवालन मिलना चाहती है। नाज़िम कवालन, उसे मुझसे क्या काम है? अम्मा बहुत बड़ा काम है, मस्ताना रागी के मुकाबले के लिए वो आपसे कुछ कवाली वाली लिखाना चाहती है। पागल हो गया है, तुझे मालूम नहीं आज जुमेरात है और हम जुमेरात के दिन शाहीन के अलावा किसी से नहीं मिलते? तेरे की भूल गया था। इजाजत तो मैं लिखती हूँ। आप तू लिखते? लेकिन उस्ताद मुझे भी लिखूँ क्या? कुछ भी लिख दे। आ मैं बताऊँ तू है क्या? वाह वाह उस्ताद, आ मैं बताऊँ तू है क्या? नहीं नहीं उस्ताद, आ मैं बताऊँ मैं हूँ क्या? सिर्फ हवा का एक झोंका। अबू, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, आज हमारा दिल घबरा रहा है तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे पास बैठ के अपने कुछ अच्छे अच्छे शेर सुनाओ और हमारा दिल बहलाओ। अबू, आज जुमेरात है ना, दादा जान की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाना है। आज तो तुम हमारे पास बैठो, बैठ जाओ। अर्ज करती हूँ, हमसे भूले न बने, उनसे भुलाए न बने, ऐसा उलझा है ये दामन के छुड़ाए न बने। ये क्या बात है, गालिब की जमीन में क्या मतलब निकाला है? वाह वाह, दिल ने फिर आज पुकारा है तड़प कर उनको, वो भी मजबूर हो ऐसे के बिनाए न बने। हाय वो वक्त के जिस वक्त मचलता हुआ दिल, अपनी हालत को छुपाए तो छुपाए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ऐसे शाम हो चली है। मैं बिल्कुल मजबूर थी आ रही हूँ, वरना मैं कभी आपको इंतजार न कराती। अबू ने मुझे रोक लिया था, मैं अब भी बड़ी मुश्किल से छुप छुपा कर आई हूँ। लेकिन आखिर इस तरह हम लोग कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अगर हम दोनों को किसी ने देख लिया तो बदनाम हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बदनाम करने के लिए मोहब्बत नहीं की शाहीन, बल्कि तुमसे शादी करने के लिए मोहब्बत की। अगर ऐसा ना हुआ तो इस मोहब्बत का अंजाम मेरी मौत होगी। ऐसा ना कहो शाहीन, मैं कल ही अम्मी को लेने आगरे जाता हूँ और दिल्ली वापस पहुँचते ही अम्मी नवाज साहब के पास मेरा पैगाम लेके पहुँच जाएंगे। बेटा अम्मी, आपको तो बुखार है। हाँ, इख्तलाज का दौरा पड़ गया था, उसी की वजह से हरारत हो गई। आपने मुझे इतला क्यों नहीं दी? इसलिए कि तू घबरा जाता और खा मखा परेशान होता अपनी बीमारी से ज्यादा। मैं तेरी परेशानी से डरती। आप भी कमाल करती हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो। मुझे कुछ नहीं पता, मगर बगैर इतला दिए तू कैसे आया? पहले आप ठीक तो हो जाइए, फिर बताऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता मैं क्या बात है। अम्मी, आप नवाब हैदर बेग को तो जानती होंगी? हाँ हाँ, अच्छी तरह, हमारे मोहल्ले के पीछे ही तो उनकी हवेली है। तो फिर आपने उनकी लड़की शाहीन को जरूर देखा होगा। ओह, मैं समझ गई बेटा, वो बहुत बड़े नवाब हैं, कहाँ हम कहाँ वो। अम्मी, अब मैं आपसे क्या अर्ज करूँ, यूँ समझ लीजिए कि मैं और शाहीन एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी चलूँ? अभी नहीं अम्मी, पहले आप ठीक तो हो जाइए। मोहब्बत आप होती है, मोहब्बत की नहीं जाती। वाह 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 भाई, बात मामले की। आप इस वक्त यहाँ? हाँ बेटी, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। फरमाइए। बैठ।
बात यह है बेटा, तुम्हारे वालिद मरहूम मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्हें मैं बिल्कुल अपना भाई समझता था। मरते वक्त उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया, अब मैं शाहीन का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। चचाजान, मुझे यकीन है कि तुम अपनी सादत और शराफत का सबूत दोगे। चचाजान, मैं आपका हुक्म बजा लाना अपनी ऐन सादत समझता हूँ, लेकिन अगर आप इस मामले में शाहीन से भी... हम अपनी तौहीन समझते हैं कि बच्चों से इस मामले में मशवरा लिया जाए। तो हम शादी के सारे इंतजाम मुकम्मल किए देते हैं। सुनो तो सही, मैंने ऐसे क्या गलती की अपनी बीवी को ऐसे नहीं मारते? मगर फूटा तो सही मुझे, मेरा कसूर क्या है? ये कपड़े ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा जो तुम कहोगे वही पहनूंगी। नहीं रहोगे? अरे तुम घर में नहीं रहोगे? बढ़िया कपड़े पहन के आती है और फिर देखते कि तुम इस घर में कैसे नहीं रहोगे। मेरा भी नाम नहीं। लेकिन कोई देखना
जीत उस्ताद की होगी। लाजमी जवाब नहीं दे पाई और जीत तुम्हारी होगी। अगर आरिफिया ने इसका जवाब लिखकर दे दिया होगा तो हमारा बर होगा। दिमाग से मेरे पूछे लिख के दे कह सकते दे भी दिया तो मैं वही लिख के तुम्हें दे दूंगा। बरखुरदार आजकल उनको फुर्सत ही कहाँ है। हाँ। उनको फुर्सत नहीं आ रही बोली बहुत अच्छी सही नहीं जाइए। अरे तू अभी तक बैठे क्षमा पड़ रही है मेले में नहीं चलना है क्या? मैं तो भूल ही गई चलो जल्दी से तैयार हो जाओ उठना। मैं बताऊं तू है क्या बताऊं तू है क्या सिर्फ नजर का है धोखा। समझा है मुझको उतना ही जिसको जितना जर्फ मिला। हाँ मैं बताऊं तू है क्या सिर्फ नजर का है धोखा। पे नाजन कर रूप है तेरा दो दिन का। रूप है तेरा दो दिन का। बात कही तो बात भी सुन यार है तू भी मतलब का। हाँ मैं बताऊं तू है क्या सिर्फ नजर का है धोखा। समझा है मुझको उतना ही जिसको जितना जर्फ मिला। हाँ मैं बताऊं तू है क्या सिर्फ नजर का है धोखा। जब साकी का नाम लिया जब साकी का। देख लिया जब साकी को होश गवाया बाकी का। आ मैं बताऊं तू है क्या सिर्फ नजर का है धोखा। तू ही कहे है दीवाना मेरी इस रुसवाई में तेरा भी है अफसाना। शौक
से कहले दीवाना, शौक से कहले दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना। यूं ना उड़ाती चल आ चल, दीवाने से बच के चल, निकला है ना निकलेगा उड़ाते चल आ चल, दीवाने से बच के चल, निकला है ना निकलेगा जुल्फ का खमर मेरा बल। हाँ बताओ तू है क्या, सिर्फ नजर का है धोखा, समझा है मुझको उतना ही जिसको जितना जर्फ मिला, हाँ बताओ तू है क्या, सिर्फ नजर का है धोखा, हाँ बताओ तू है क्या, सिर्फ नजर का है धोखा। बस हमारे ही तीर का सहारा लेना पड़ा ना, एक बार आपने हमारा तीर हम पे चलाया कोई असर नहीं हुआ, दूसरी बार हमने आपका तीर आप पे चलाया कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मेरी राय में क्यों ना हम दोनों इस मुकाबले के झगड़े को मिटा दें और एक हो जाए। आपका कोई सगा संबंधी है? जी नहीं, खुदा के फजल से अकेली। बहुत अच्छा, यहाँ भी यही हाल है। तो फिर समझ लो आप हार मान लो। दिल का हार ना हार कहूँ या जीत कह नहीं सकता। हार कह सकते हैं। और दिल का जीतना? जी। फिर आपका जो जी चाहे कह दीजिए, मैंने अपना दिल हार के आपका दिल जीत लिया। आपका नाम तो मस्ताना रागी की जगह मस्त मस्ताना होना चाहिए था। आदम आदम, कैसी तकलीफ फरमाई? नवाब साहब, आपके हुजूर में एक अर्ज लेकर आई हूँ, लेकिन छोटे मुंह से बड़ी बात कहते हुए डरती हूँ। आप कहना क्या चाहती? नवाब साहब, माँ के दिल के दर्द को तो आप भी जानते होंगे, ममता से मजबूर सवाली बनकर आपके दर पर आई हूँ और दामन फैलाकर अपने आरिफ के लिए आपकी शाहीन की भीख मांगती। छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात न कीजिए जो बर्दाश्त न हो सके। हमारी बेटी शाहीन को अपने घर की बहू बनाने का ख्वाब देखने से पहले अपनी हैसियत पे तो गौर कर लिया होता आपने। हैसियत नहीं, इसीलिए तो भीख मांगने आई हूँ। मेरा आरिफ गरीब जरूर है लेकिन शराफत की दौलत से भरपूर है। वही आरिफ जो एक आवारा शायर है, वही आरिफ जो अपनी औकात को भूलकर हमारी बेटी को मोहब्बत भरे खत लिखता है। ज्यादा मुंह न खुलवाइए, हम अपनी इज्जत से डरते हैं, वरना इस दलालत की सजा आप जानती हैं क्या थी, हम आपके बेटे को जेल में काटे। मगर ये न भूलिए कि इस मोहब्बत और इस गुनाह में आपकी बेटी भी बराबर की शरीक। मोहब्बत दोनों तरफ से होती है, एक तरफा नहीं। खामोश रहिए, वक्त आपकी जगह कोई मर्द होता तो हम उसे जवाब देते, मगर अफसोस कि आप औरत हैं और इफ़त हमारे घर पर है, लेकिन जिस तरह आई है उसी तरह खामोशी से वापस चली जाएगी। मैं तो खामोश वापस चली जाऊंगी नवाब साहब, लेकिन ज़बान मोहब्बत को आप किस तरह खामोश करेंगे? याद रखिए, ये वो चिंगारी है जो एक दिन शोला बनकर रहेगी। हम ज्यादा सुनने के आदी नहीं, हम फैसला कर चुके हैं कि शाहीन की शादी हमारे दोस्त के बेटे अमजद से होगी। क्या हुआ अम्मी? नवाब साहब ने क्या कहा? वही जिसका मुझे डर था, उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं। मगर क्यों? इसलिए कि उन्होंने शाहीन की शादी अपने दोस्त के लड़के अमजद से करने का फैसला किया है। ये शादी नहीं हो सकती अम्मी, शाहीन मुझसे मोहब्बत करती है, वो शादी कभी नहीं करेगी। मैं शाहीन को मिल के आता हूँ। अरे अरे शाहीन, शाहीन क्या सच है नवाब साहब तुम्हारी शादी अमजद मियां से कर रहे हैं? जवाब क्यों नहीं देती? तुम रो रही हो। और क्या करूं, शादी का सब इंतजाम हो चुका है। और तुम्हारे वो वायदे? मैं अपनी जान देकर अपने वादे की कीमत अदा कर सकती हूँ,
मगर शादी शादी का वादा पूरा करने से मजबूर हूँ आरिफ मियां। ये तुम क्या कह रही हो शाहीन? मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे भूल जाइए आरिफ मियां, मुझे भूल जाइए। खुदा हाफिज। प्यार की हसरतें खाक में मिल गईं, प्यार की हसरतें खाक में मिल गईं, दो कदम चल के दो हम सफर जल गए, दो कदम चल के दो हम सफर जल गए। जिंदगी आग बनती है जिस मोड़ पर, जिंदगी आग बनती है जिस मोड़ पर, दोनों राही उसी मोड़ पर जल गए। दो कदम चल के दो हम सफर जल गए। कुछ ना बाकी रहा जिंदगी में मेरी, कुछ ना बाकी रहा जिंदगी में मेरी, एक धुआं रह गया दिल जिगर जल गए। दो कदम चल के दो हम सफर जल गए। सीने से शोले उठे, आहरों की तो सीने से शोले उठे, बन गए अश्क आंखों में चिंगारियां, बन गए अश्क आंखों में चिंगारियां। दो मोहब्बत भरे दिल सुलगने लगे, दो मोहब्बत भरे दिल सुलगने लगे, यानी दो आरज़ूओं के घर जल गए। दो कदम चल के दो हम सफर जल गए। ये कह कर ढले, प्यार की आग में यूं न कोई जले, प्यार की आग में यूं न कोई जले। आतिशे इश्क में कोई शोला नहीं, आतिशे इश्क में कोई शोला नहीं, फिर भी इस आग में घर के घर जल गए। दो कदम चल के दो हम सफर जल गए, प्यार की हसरतें खाक में मिल गईं, प्यार की हसरतें खाक में मिल गईं, दो कदम चल के दो हम सफर जल गए। दोनों राही उसी मोड़ पर जल गए। दो कदम चल के दो हम सफर जल गए। खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। कब तक नहीं खाएगा?
आज कितने रोज हो गए तुमने खाना नहीं खाया। शाहीन को भूल जा बेटा। चेची जाना, क्या तुमने मेरे आरिफ को देखा है? क्यों, क्या हुआ आरिफ को? न जाने क्या हो गया, जब से शाहीन की शादी हुई थी न खाता न पीता और कल सुबह घर भी नहीं आया, न जाने कहाँ चला गया। रोती क्यों है? जिंदगी में सबसे ज्यादा यकीनी चीज तो सिर्फ मौत ही है, मरना बरहक है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन बनना होगा। देखा, मैंने जिंदगी में हमेशा तेरी खुशी का ख्याल रखा, अब मैं चाहता हूं कि तुझे कुछ ऐसी बातें बता जाऊं कि मेरे मरने के बाद भी तू खुश रहे। बेटा, तू जानती है कि खुदा के अलावा अगर किसी को सजदा जायज होता तो औरत को हुक्म होता कि वह अपने शौहर को सजदा करे। बेटा, शौहर के कदम औरत के लिए जन्नत है। बेटे, हमेशा अपने शौहर की इताअत करना और उसी के कदम में मर जाना। मुझे उम्मीद है कि तू मेरी रूह को शर्मिंदगी का मौका दे। बोलो साहब, क्या चाहिए? हाँ बोलो। एक खाली गिलास लाओ। मेरे हसीन ख्वाबों की शहजादी शाही, सलाम मोहब्बत। इंशाल्लाह बहुत जल्द दो दिलों की मुरादें पूरी होने वाली हैं। मैं फौरन ही अम्मी को लेकर दिल्ली पहुंच रहा हूँ और अम्मी दिल्ली पहुंचते ही तुम्हारे लिए मेरा पैगाम लेकर किबला नवाब साहब के पास पहुंच जाएंगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, पिछड़े हुए दिल फिर एक हो जाएंगे। तुम्हारा अपना आरिफ। अबे शराब पीने का हुक्म नहीं है। अबे जा रहे हैं उसका बच्चा, सब और आते आ जाओ उसे। बड़े बदतमीज हो गए नवाब साहब, आपको नहीं पहचानते। आप भी किस गलत जगह पे आ गए। आप मेरे दौलत खाने पे चलिए। आपकी तारीफ जी, आप मुझे नहीं जानते। खाकसार को शायर आजम, तुम तराख दहलवी, तूतिया हिंदुस्तान कहते हैं। आप बड़ी दिलचस्प शख्सियत मालूम हैं। शुक्रिया, हम आपके साथ चंद घड़ियां जरूर गुजारेंगे। चलिए बेटे, आप क्यों जहमत करते, मुझे दीजिए, आइए।
को अब होश में न आने दो, दिल छोले मुझे बुझाने दो, जाम मैं जिसको लोग कहते हैं उस समंदर में डूब जाने दो। डूब जाइए लवाल साहब, डूब जाइए, इसमें डूबकर ही किनारा मिलता है। तो तराक ये दुनिया इतनी खराब क्यों है? खराब नहीं है नवाब साहब, खराब बना दी गई है। बना दी गई है। हाँ तुम ठीक कहते हो। शुक्रिया, मगर नवाब साहब आप इस दुनिया के बारे में सोचते ही क्यों हैं? ये तो सोफियों का काम है। उसमें आप तो पीजिए और भूल जाइए। लीजिए थोड़ा, किधर है हुजूर? मैं अभी आपकी खिदमत में छोड़ा पेश करने जा रहा हूँ। जाइए। अच्छा, नवाब साहब किधर है? किधर गए नवाब साहब? हम किससे कह दें, किस तरह कह दें तेरा साला हम? आपने शराब पी है? क्यों ना पियो बेगम, मैंने परवाने से उसकी क्षमा को छीन लिया और उस क्षमा ने मेरे दामन में आग। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा के लिए मुझसे कुछ और पूछकर भरते हुए शोरों को हवा न दो, वरना इस आग में तुम भी जल जाओगे। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते, आखिर बात क्या है? जानना चाहती हो? मुझे किसी ने धोखा दिया है। किसने धोखा दिया आपको? कौन है वो? वो तुम। हाँ वो तुम। तुमने मुझसे शादी करके मोहब्बत जैसी मुकद्दस चीज का मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें चरागे खाना समझा, लेकिन अफसोस कि तुम शमे महफिल निकली। अपने कलीज की पाक मोहब्बत पर इल्जाम लगाने से पहले उसके दामन में छुपी हुई बेगुनाही को तो देख लिया होता। मैंने हमेशा अपने सरताज के कदमों को आंखों में रखा, मोहब्बत के मुकद्दस देवता को सजदे के लिए। का मुकद्दस लफ्ज उसकी जुबान पर सेव नहीं देता, जिसके गुनाहों की दास्तान इन खतों में बंद है। खत? कैसे खत? ये किसके खत है? इतनी भोली न बनो बेगम, तुम वो मासूम गुनहगार हो जिसका गुनाह कभी माफ नहीं किया जा सकता। कुदरत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम शौहर की नहीं बल्कि मोहब्बत की बनेगा। अगर शादी से पहले मुझे बता दिया होता कि तुम आरिस से और आरिस तुमसे मोहब्बत करता है, तो मैं तुमसे शादी करने की गलती हरगिज़ नहीं करता। तुमने अपनी मोहब्बत मुझसे छुपा कर आरिफ को इंसानियत की बुलंदियां दे दी और मुझे दलालत की बस्तियों धकेल दिया।
कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं जरा आरिफ भैया से मिलने जा रहा हूँ। ओह, तुम तो खामखा ही परेशान होगी। अरे भाई, मैं तो इनसे झगड़ा करने थोड़ी जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो आज के मशायरे की उन्हें दावत देने जा रहा हूँ। क्या उनके बगैर मशायरा नहीं हो सकता? हो तो सकता है, लेकिन उनके बगैर मजा नहीं आएगा। आरिफ मियाँ, आरिफ मियाँ। आइए आइए, तशरीफ लाइए। जी हाँ, खैरियत है? आरिफ जी, आज हमारे यहाँ एक शिलबदी मुशायरा है और उसमें शिरकत की दावत देने में हाजिर हुआ था। माफ कीजिए नवाब साहब, मैंने नज़्म कहना कभी का छोड़ दिया। मगर सोच लीजिए आरिफ जी, ये दावतनामा खास तौर से शाहीन ने आपके नाम भेजा। शाहीन ने? जी हाँ, और उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया है कि आप कभी इनकार नहीं करेंगे, तो आप आ रहे हैं। अगर आप मजबूर करते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये उम्मीद थी आपसे। आप फौरन आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप तशरीफ ले। देख कर मेरी तरफ खामोश हो जाना, देख कर मेरी तरफ खामोश हो जाना, जरा मैं फसाना जब कहूँ आंसू न भर लाना, जरा मैं फसाना जब कहूँ। जब मैं देखूंगा सफीना डूबने को है मेरा, जब मैं देखूंगा सफीना डूबने को है मेरा, मैं तुम्हें आवाज दूंगा तुम चले आना, जरा मैं तुम्हें आवाज दूंगा तुम चले आना, जरा मैं तुम्हें आवाज दूंगा। साहिल के पास फिर मेरी कश्ती नजर आने लगी, साहिल के पास कोई तूफानों को फिर जाकर बुला लाना, जरा कोई तूफानों को फिर जाकर बुला लाना, जरा कोई तूफानों को फिर। कांपती आवाज में जब मैं खुदा हाफिज कहूँ, कांपती आवाज में
अश्क पी जाएंगे हम। जब्त के आदि हैं हम, अश्क पी जाएंगे हम। है मुनासिब सामने से तुम भी हट जाना जरा, है मुनासिब सामने से तुम भी हट जाना जरा, है मुनासिब सामने से। खैरियत तो है? तुम्हारा अचानक महफिल से उठकर चले आना, बखुदा मेरी तो जान ही निकल गई। कुछ नहीं, नहीं मालूम क्यों दिल घबरा गया था, मुझसे बैठा नहीं गया। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नवाब साहब, बेगम साहिबा खैरियत से तो है ना? लो बेचारे आरिफ की अभी घबरा गए, तुम्हारी खैरियत मालूम करने आए। कह दीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आरिफ मियां, फिक्र की कोई बात नहीं, बस यूं ही जरा दिल घबरा गया था, अब ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नवाब साहब आपको और बेगम साहिबा को शादी की पहली सालगिरह मुबारक। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। बेगम, न जाने बेचारे आरिफ मियां को आजकल क्या हो गया, कुछ खोए खोए से रहते हैं, वरना ये तो बड़े दिलचस्प आदमी थे। अपनी नाकाम मोहब्बत के सहारे। लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। दिल से मजबूर होकर चला है, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता शाहीन। आरिफ मियां, आप समझते क्यों नहीं, मैं आपका साथ नहीं दे सकती, आप मुझे भूल जाइए, मैं मजबूर हूँ आरिफ मियां, मैं मजबूर हूँ। मजबूरी के पर्दे में अपनी मोहब्बत को छुपाने की कोशिश मत करो शाहीन। उस दिन महफिल से अचानक तुम्हारा उठ के चले जाना और ये आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि तुम पति हो। ये आपकी खुशफहमी है, अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ और मेरी जन्नत उसी के कदमों। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाइए और आइंदा मिलने की कभी मुझसे कोशिश मत कीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी बातों पर यकीन कर लो, मगर तुमने मुझे फिर धोखा दिया और मुझे गाफिल देखकर अपने महबूब से मिली। अब मैं तुम्हारे दरमियान दीवार नहीं बनना चाहता, तुम्हारा घर छोड़कर जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। बदनसीब अमजद। नवाब साहब का कुछ पता चला? नहीं लुबना, मालूम होता है मेरी किस्मत भी दिन रात मुझे कोस रही है। बेगम साहिबा, आरिफ मियां तशरीफ लाए हैं। आरिफ मियां? मैंने बुलवाया है। आरिफ मियां, आपने मुझसे मेरी जिंदगी को दूर कर दिया है, आप ही की वजह से नवाब साहब इस घर को छोड़कर कहीं चले गए और उनके बगैर मेरी मौत भी मुझसे रूठ गई है। मैं अपना सुहाग मांगती हूँ आरिफ मियां, आप ही ने मुझसे मेरा सुहाग छीना, मुझे मेरा सुहाग चाहिए आरिफ मियां, मुझे मेरा सुहाग चाहिए। मैं अपनी मोहब्बत की कसम खाता हूँ, जब तक आपके सरताज को आप तक नहीं पहुंचा दूंगा चैन नहीं बैठूंगा। हमारा बहुत किधर है?
कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए? अमो उस्ताद तुम और यहाँ क्यों इरादा बदल दिए क्या? तुमने नवाब अमजद को कहीं देखा है? नवाब अमजद को? अम्मा नवाब अमजद तो इसमें बंद है। क्या बकता है? मैं ठीक कहता हूँ, कभी तो सारे मुबारकबाद का इस्तेमाल कर लो। नवाब अमजद मियाँ तो हमारे घर पर बैठे गिलासों पर गिलास डटा रहे हैं। चल मेरे साथ चल। चल तो मियाँ बोतल तो दो, हमें बोतल तो दो। सब बेवफा है, सब बेवफा है। मैं भी बेवफा होता तो मुझे ये गम तो ना होता, तो मुझे अब तो आ जाओ तुम तराक और मुझसे मेरे ये बचे कुचे होश भी छीन लो, कहीं मुझे कोई बेवफा याद ना आ जाए, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा, मगर मुझे घूम शराब दे दे। नवाब साहब आपको और शराब नहीं मिलेगी, आपको मेरे साथ घर चलना होगा, वहां कोई आपका इंतजार कर रहा है। मेरा इंतजार कर रहा है और आप वहीं से तशरीफ लेकर आ रहे हैं और उनसे मिलकर आ रहे हैं, यानी मोहब्बत आपसे और आंसू हमारे लिए। ऐसा बात नहीं हो जाएगा नवाब साहब, अभी आपको मेरे साथ घर चलना होगा। क्यों क्यों घर चलना होगा? मैं किसी से वादा करके आया हूँ। वादा कमीने! होश में आइए नवाब साहब, होश में आइए नवाब साहब, होश में आइए नवाब साहब। फिर चुप रहो, मैं आज इस कमीने का खून चाहिए। नवाब अमजद मियां हारिस मियां को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। हाँ आप मेरे साथ चलिए, चलिए कर दीजिए खून, मगर घर चलिए। मेरा घर बिगाड़ कर मुझे घर पहुंचाना चाहते हो? नवाब साहब मैं आपको घर लेके ही जाऊंगा। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, मैं आरिफ हूँ। जी हाँ, मैं आपके सुहाग को वापस ले आया हूँ, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। लेकिन इन्हें हो क्या गया? क्या हो गया इन्हें? नशे की ज्यादती से बेहोश हो गए। बेहोश हो गए? अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें अंदर लिटा दूँ। ले आइए, जल्दी ले आइए। आरिफ मियां, तो फिर नवाब साहब को पहुंचाने उनके घर गए होंगे। इन्हें आराम की जरूरत है, घबराइए नहीं, ये ठीक हो जाएंगे। ये आपके सर से खून कैसे बह रहा है? जी यूं ही दरवाजे से टकरा गया था, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आरिफ, इतना खून किसने मारा तुझे? कहाँ है नवाब साहब? क्यों मारा उन्होंने तुझे? मुझे किसी ने नहीं मारा अम्मी, मुझे किसी ने नहीं मारा। झूठ, मुझे सब मालूम हो गया है। क्या किया नवाब साहब ने, किसको मारा इन्होंने, ये तुम पूछती हो? तुम जिसने एक म्यान में दो तलवारें रखने की कोशिश की, तुमने मोहब्बत आरिफ और शादी अमजद से नहीं होगा तो और क्या होगा? अम्मी ने कही इनका कोई कसूर नहीं। कह रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं था। तुम्हारे नवाब साहब ने मेरे बेटे की जान लेना चाहिए और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता? अगर नवाब साहब से कोई गलती हुई है तो उसकी जो चाहे वो सजा आप मुझे दे सकती है। अम्मी खुदा के लिए घर चलिए, घर चलिए। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन इतना याद रहे, अगर मेरे आरिफ को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी, तुम। तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी, तुम। धार में बना है
लाज रख ले सरकार मदीना, मुख्तार मदीना, मेरी भी लाज रख ले सरकार गरीब माँ के बुढ़ापे का सहारा है, तो उसकी हिफाजत कर। मोहब्बत इसी को कहते हैं और वफा भी इसी को कहते हैं कि शौहर को तो अपनी पाक दामनी का यकीन दिलाया जाए और जिससे मोहब्बत हो उसके लिए छुप छुप के दुआएं मांगी जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम मुझे कदम कदम पर धोखा देती चली आई हो, आज मैं तुम्हारे घरे बनी आऊंगा, मांगो आज मैं भी देखूंगा कि तुम्हारी दुआ में ज्यादा असर है या मेरी बंदूक की गोली में ज्यादा असर है। ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा मेरे रास्ते आज मुझे आरिफ की जिंदगी का खात्मा करना है। खुदा के लिए मेरी बात को सुनिए। छोड़ दो मुझे। आज तुम मेरे हाथ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नवाब साहब आप हट जाइए, इन्होंने मेरे घर में आग लगाकर तमाशा देखा है, मेरे सीने में खंजर फोंक कर उस पर नमक छिड़का है, मैं भी इनके सीने में गोली उतार कर अपने इंतकाम की आग को ठंडा करूंगा। नवाब साहब मेरे बच्चे पर रहम कीजिए। अम्मी आप हट जाइए, नवाब साहब को अपना अरमान पूरा कर लेने दीजिए। अगर मेरी मौत से इन्हें शाहीन की बेगुनाही का यकीन आ सकता है तो मुझे मर जाने दीजिए। नवाब साहब उठाइए बंदूक और चलाइए गोली। अच्छा हुआ तुम भी आ गई, तुम्हारे सामने आज आरिफ का फैसला किए देता हूँ। मैं ये नहीं होने दूंगा। जाओ मेरे सामने से। तो ये बात है तो फिर आरिफ से फैसला करने से पहले मैं तुम्हारा ही खात्मा किए देता हूँ। नवाब साहब, नवाब साहब। आरिफ मियां खबरदार, जो नवाब साहब ने हाथ उठाया छोड़ दीजिए इन्हें। मुझे माफ कर दीजिए नवाब साहब, मेरा सीना आपकी गोली को छिपाने के लिए हाजिर है, मगर मरने से पहले मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि आपकी शाहीन एक बासमत बीवी है और उस पर शक करना खुदा पे शक करने के बराबर है। ये तुम्हारा शायराना फरेब है। ये फरेब नहीं है नवाब साहब, खुदा आप शाहीन के पाक दाम नमाज पढ़ सकते हैं। तुम झूठ कहते हो, क्या तुम कुरान शरीफ की कसम खाकर कह सकते हो जो कुछ तुम कह रहे हो बिल्कुल सच है? मुझे कसम है कलामे पाक की कि आपकी मोहब्बत में शाहीन की आंखों से टपके हुए आंसुओं से वजू किया जा सकता है। मुझ पर यकीन कीजिए मेरे सरताज, बाखुदा खुदा के बाद मैंने आप ही की इबादत की और हमेशा अपनी मांग में आप ही के कदमों की खाक भरी है। नवाब साहब आप एक मुसलमान हैं, क्या कुरान शरीफ की कसम खाने के बाद भी आपको इन दोनों की बेगुनाही पर यकीन नहीं आया? मुझे शक ने अंधा कर दिया था। नवाब साहब काश मैं आपके हाथों मारा गया होता, मगर वतन छोड़ना भी मरने के बराबर ही होता है। मैं हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ। आरिफ मियां। हाँ नवाब साहब, ये फैसला मैंने आपके आने से पहले ही कर लिया था। खुदा आप दोनों को सलामत रखे।
चलो अम्मी, चलने की तैयारी करो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। सुबह का वक्त हुआ, आई गुलशन में सबा, छिड़ गया साजे चमन, गूंजी आवाजे चमन। है बुलबुल से मगर फैली गुलशन में खबर, इश्क बदनाम हुआ, चल गया सबको पता। बाग बाही गया प्यार की देने सजा, फूल शाखों से चुने लाल बुलबुल के सुने। हार कुछ गूंद लिए, हंसते दिल तोड़ दिए, अश्क शबनम के बहे और खामोश रहे। हार फूलों के जो गुलशन से वो लेकर निकला, अपने फूलों से मचलती हुई बुलबुल ने कहा। क्या? जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। जाते जाते एक नजर भर देख लो, देख लो। उस्ताद, उस्ताद, अब मुझे कहाँ छोड़ा जा रहा हो? आदाब अंकल, खुश रहो अहले वतन, हम तो हारिस मियां के साथ करते हैं। आदाब। उस्ताद, उस्ताद, अब मुझे कहाँ छोड़ा जा